सिनेमैटिक शुरू होता है। जंप जंप जंप, ओह माय गॉड, जंप हो चुका है, जंप हो चुका है। मैंने बैक बटन वापस से प्रेस किया लेकिन ये जंप क्यों नहीं हुआ। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अनदर वीडियो ऑफ शैडो फाइट अरीना। सो 3v3 का एक डोजो फाइट है, 6 डोजो वर्सेस 6 डोजो। मैंने चुना है फायर गार्ड आतिफ, जो कि मेरा ओपोनेंट, उसने चुना है जेट। और जेट का कहानी आप सबको पता है, इसमें काफ़ी होता है, कैंपिंग ही कैंपिंग होता है। सो यहाँ पे जेट ने शुरू किया अपना कैंपिंग, पर मैं आराम से खेलूँगा, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं अपना समय देख के अटैक करूँगा बिकॉज आई वॉन्ट टू विन दिस फाइट। और यहाँ पे मेरा शैडो कनेक्ट नहीं हो पाया, बट एनीवे जेट का कनेक्ट हो गया। जो मेरा जंप था वो थोड़ा स्लो था, दैट्स फाइन। और मैंने अपना दीवार पकड़ा हुआ है बिकॉज आई वॉन्ट टू डिफीट दिस जेट बिकॉज शी इज सो अननोइंग। और यहाँ पे फायर गार्ड ब्लास्ट हो चुका है, मेरा आधा हेल्थ ख़त्म, लेकिन कोई बात नहीं, आई कैन स्टिल फाइट एंड विन दिस। और यहाँ पे जेट रानी गई, तो फायर गार्ड ने जेट रानी को हराया। अब देखते हैं ये दूसरा ओपोनेंट आयरन क्लेड है, कोई बात, फाइट। मेरा ओपनिंग सही था, आयरन क्लेड ने स्लो ओपनिंग किया और यहाँ पे मैं ब्लास्ट होने वाला हूँ। ब्लास्ट के लपटों में आयरन क्लेड भी आ गया और यहाँ पे मैंने होल्ड किया, थ्रो किया और बेचारे ने यूज़ नहीं कर पाया अपना शैडो एनर्जी, अंदर ही अंदर रहा होगा, पर कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी मेरे साथ भी हुआ था। यहाँ पे फिर से शैडो मैं कनेक्ट नहीं हो पाया, फायर गार्ड का शैडो कनेक्ट होना था मुश्किल होने लग गया आजकल, पर कोई बात नहीं। और यहाँ पे मेरा सिनेमैटिक शुरू होता है, जंप जंप जंप, ओह माय गॉड, जंप हो चुका है, जंप हो चुका है। मैंने बैक बटन वापस से प्रेस किया लेकिन ये जंप क्यों नहीं हुआ, शिट, जंप नहीं हुआ, शिट शिट। और यहाँ पे मेरा फिर से शैडो मूव कनेक्ट नहीं हो पाया और यहाँ पे आउट, ख़त्म। पर कोई बात नहीं, फायर गार्ड अपने साथ आयरन क्लेड को भी लेके गया है। और यहाँ पे उसका बचता है सिर्फ फेल्सर अजुमा और मेरे पास है केट और हेल्गा। मैं राउंड 3 5 केट, मैं आप अटैक से करना स्टार्ट था लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे अजुमा का कनेक्ट हो गया है एयर स्क्रू और मेरा आधा से आधा हेल्थ जाने को ही था, पर कोई बात नहीं, एयर स्क्रू को कनेक्ट नहीं होने देना, उससे पहले ही मैं इसका ले लूँगा। और यहाँ पे मैं शैडो मूव कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा, लेकिन ये बच गया, इसको बिना समय दिए मैं इसको उड़ा दूँगा। और यहाँ पे ख़त्म, अजुमा बाय बाय, गुड गेम, फेयर लगा मुझे, कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा कैंपिंग चलता है, बच्चे लोग अभी खेल रहे हैं तो बच्चे को मैं तो सुधार की जरूरत है। और यहाँ पे सेकेंड ओपोनेंट है नॉटी अमेरिका, नाम पता नहीं क्या सोच के रखा है इस बंदे ने। नॉटी अमेरिका ने आयरन क्लेड चुना है, मेरा फायर गार्ड नॉटी अमेरिका का आयरन क्लेड, लेट्स फाइट, देखते हैं फाइट कैसा करता है। वेरी गुड, अनब्रेकेबल अटैक के साथ शुरू किया है और ये फालतू में जंप किया जा रहा है और हो गया। अच्छा तो ये कैंपर, वेरी गुड, मेरा तो ज़्यादा हेल्थ यहीं ख़त्म हो गया, पर कोई बात नहीं, आग के लपटों में आ चुका है, बच गया मैं, गलत टाइम पे हुआ था, दैट्स गुड, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। आयरन क्लेड धूल चाट लेगा भी कुछ देर में और वो चाट भी लेता, पर उसने सही मौके पे टर्न ले लिया। ओ यहाँ पे ग्रेव इसने किया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हैवी अटैक। और यहाँ पे शैडो से मेरा आधा से आधा हेल्थ ख़त्म हो चुका है, एक और हिट होगा और मैं ख़त्म, लेकिन यहाँ पे मैंने होल्ड किया, थ्रो किया और ख़त्म, आयरन क्लेड बाय बाय। कैंपिंग सही था लेकिन चला नहीं। अब इसने चुना है युका को, युका रानी बिल्ली वाली, इसकी बिल्ली भी तैयार रहती है फाइट के लिए, ये यहाँ पे तैयार है और मुझे लगता है 90% तो हेल्थ ख़त्म ही है और मैं गया, और टाइम रहते मैं अगर पहुँच नहीं पाया तो युक्का बच गई, बिना कोई हेल्थ गवाए युक्का का 100% हेल्थ बचा हुआ था। अब मैं अभी केट के साथ जाऊँगा और युक्का को धूल चढ़ा के आऊँगा, युक्का रानी को केट रानी समझा पाएगी,
फाइट गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स, दिस इज हाउ हैपेंस। इतनी फट क्यों रही है इसकी, इतना तो सामने खेलो है। ओहो कनेक्ट हो गया यार टैग। ओहो डॉज भी करता है ये तो, पर ये नहीं डॉज करता है। बिल्ली का सहारा लेता है, शर्म नहीं आता। और यहाँ पे एक दो अटैक और लगेगा और युक्का रानी धूल चाट लेगी। मतलब क्या कहीं भी अटैक चल रहा है इसका, युक्का का कुछ भी, हवा में तलवार चलाना है बेवकूफ। अब केट वर्सेस केट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग फाइट, लेट्स सी। और दोनों का सेम है लेवल 66, मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं क्या होता है इधर। तो वो अभी से ही बैक बटन का संपूर्ण उपयोग करते हुए, बैक बटन को पूरी तरीके से रगड़ते हुए, जो कैंपिंग करता है उसका सबसे पहला पहचान यही है, बैक बटन का पूर्ण उपयोग होगा वहाँ पर। और यहाँ पे इसकी आंखें रेड हो चुकी है, अगर इसने मुझे हिट किया तो मैं गया। सो मैं ऐसा कोशिश करूँगा ना हो पाए, लेकिन शिट 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 हो गया। दैट्स बैड, पर मेरी हेलगा रानी बाकी है, ट्रम्प कार्ड है मेरी ये, इससे मैं इसको हरा दूंगा। और ये जो भी नाम है इसका, धूल चाटेगा अभी। कम ऑन फाइट हेलगा, चलो दिखाते हैं इसको कैंपिंग, कैंपिंग करने वालों का सजा। आजा खत्म। और यहाँ पे मैं फाइट जीत चुका हूँ इस परफेक्ट फाइट के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइट की ओर। तो नेक्स्ट फाइट है, इसका नाम क्या है, ANKIOA, भाई जो भी नाम है इसका। डोजो 6 का प्लेयर है, सेम लेवल है मेरे जितना, रैंक भी सेम है। सो फाइट, मेरा पहला है फायर गार्ड, उसने चुना है किट। राउंड 1 फाइट। और यहाँ पे सिंपल अटैक के साथ बैक बटन का संपूर्ण उपयोग, अभी तक 3 कैंपर मिल चुके हैं और यहाँ पे मैंने भी संपूर्ण फायदा उठाया समय का। और इसका अटैक कनेक्ट हो गया, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। शिट, मैं जंप करने का सोचा पर जंप नहीं हुआ। बटन्स अगर थोड़े से और स्पीड अप हो जाते तो मज़ा आ जाता शैडो फाइट अरीना में। बटन जिस समय क्लिक करो उस समय उससे डिले हो जाता है, तो दैट मेक्स द फाइट अ लिटिल मोर बोरिंग। और यहाँ पे भी मैं वापस से इसके शैडो के अब लप टू में आ चुका हूँ। और यहाँ पे वापस से सेम ट्रिक मैंने आजमाया और यहाँ पे ख़त्म, बाय बाय किट दी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड की ओर। और यहाँ पे जेट महारानी आ चुकी है, कैंपरों की देवी, कैंपरों की देवी जेट आते ही गायब हो चुकी है। कैंपरों की देवी जो कैंपिंग करना ही है तो गायब तो होना था ही। रेंज अटैक किया, वेरी गुड। और यहाँ पे खड़े खड़े रुकी हुई है समय का उपयोग करने के लिए। और यहाँ पे मेरे फायर गार्ड को अटैक करते समय सोच के अटैक करना चाहिए था, फायर गार्ड है पूरा के रख देगा ना। पुष्पा राज आप उनकी फायर गार्ड है, झुकेगा नहीं। और यहाँ पे केट देवी को एक लात पड़ा, जेट देवी खत्म। सॉरी अभी आर एन क्लियर बचा है, मेरे फायर गार्ड ने दोनों को लपेट दिया है। केट और जेट दोनों नाम है, सिमिलर है, सिनोनिम जैसा लग रहा है। अभी आर एन क्लियर है, इसको भी धूल चटाते हैं। ओहो जंप करेगा वह। और यहाँ पे मेरा शैडो कनेक्ट हो चुका है आयरन क्रिट के लिए। और एक बार और येल, फिर से ख़त्म। बेचारा रो रहा होगा अंदर से क्योंकि शैडो यूज नहीं कर पाया, मैं समझ सकता हूँ। और यहाँ पे मेरा हैविक भी कनेक्ट हो चुका है, फायर मैंने किया लेकिन डिस्टेंस कम था, पर कोई बात नहीं, सॉरी डिस्टेंस ज़्यादा था कम नहीं था। और यहाँ पे मुझे लगता है फायर गार्ड अकेले ही इन सबको ले सकता था, लेकिन यहाँ पे बच गया।
ये फायर गार्ड सी मैं लगता है गेम ख़त्म कर दूंगा और यहाँ पे ख़त्म। सो गुड गेम, ओके दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, मेरा फायर गार्ड काफ़ी था इसे हराने के लिए, 54 पॉइंट्स मिले हैं।